શ્રી ડોક્ટર રમેશ પોખરિયાલજી નિશંક જી. સમૂચા હિમાલય ક્ષેત્ર જૈસે કે માલુમી હૈ કે આંતરિક સુરક્ષા સંસ્કૃતિ પર્યાવરણ કી દિશે અત્યંત સંવેદનશીલ હૈ और उसमें भी उत्तराखंड देश के लिए एक थाती के रूप में है, गौरवशाली थाती के रूप में है, जहां जनसंख्या का कुल 7% सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर लोग कुर्बानी देते हैं और 1,20,000 से भी अधिक पूर्व सैनिक हैं, जबकि 32,363 से भी अधिक यहां पर विधवाएं हैं. अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे देश की आज़ादी से पहले राव हो, चाहे विक्टोरिया प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में नायक विक्टोरिया क्रॉस नायक दरवान सिंह हो, और चाहे वही प्रथम विश्व युद्ध 1915 में राइफलमैन शहीद गबर सिंह हो, और चाहे परमवीर चक्र लेफ्टिनेंट थापा हो, चाहे अशोक चक्र उमेद सिंह हो, नायक भवानी दत्त हो, गजेंद्र सिंह विश्व हो, चाहे बहादुर सिंह बोरा हो, मुझे ये कहना है अध्यक्षा जी कि यदि देश की गौरवशाली परंपरा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपनी को कुर्बानी देने वाले और पूर्ण जनसंख्या का 7% से भी अधिक राष्ट्र के लिए समर्पित होने वाले वो दो विदेशी सीमाओं का क्षेत्र आज अत्यंत संवेदनशील हुआ है, वहाँ से पलायन हो रहा है, वहाँ प्रकृति की मार झेली जा रही है. मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है अध्यक्षा जी कि वहाँ, क्योंकि औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं पर कुर्बानी देता है और वो उसकी गौरवशाली परंपरा है, इसलिए वहाँ के नवयुवकों को विशेष करके प्रशिक्षण दिया जाए, सैन्य और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए अलग से संस्थान खोले जाएं और सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाए. अभी आपने देखा कि चाहे वो अक्षरधाम गुजरात का रहा हो, और चाहे आतंकी हमला ताज पर रहा हो, चाहे संसद पर रहा हो, चाहे दांतेवाड़ा नक्सली हमला रहा हो, प्रथम पंक्ति में उत्तराखंड के उस नौजवान ने अपनी शहादत देकर के राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाया है. मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वहाँ के नौजवानों को निःशुल्क राष्ट्र की सेवा के लिए अधिकारी तैयार करने के लिए संस्थान खोले जाने चाहिए, सैनिक स्कूल खोले जाने चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.